हेलो बच्चों, कैसे हैं? अभी हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप जानते हैं यह रहता है बराबर 1000 ग्राम। अब जैसे हमें 10 किलो को ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? दस किलो बराबर कितने ग्राम होंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, यह जो दिया गया संबंध है इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसमें 1 की जगह हमें कितना चाहिए? 10। तो 10 कैसे आएगा? इसको 10 से गुणा करने पर, तो हम 1 को क्या कर देते हैं? 10 से गुणा कर देते हैं। 1 गुणा 10 कितना आ गया? 10 किलोग्राम। यहाँ यहाँ भी गुणा होगा, 1000 गुणा 10 कितना आ गया? 10,000 और ग्राम। ठीक है, इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।